एपिसोड का सवाल, हर मुसलमान पर कितनी चीज़ें फ़र्ज हैं? और आपके ऑप्शन थे ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। और माशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी अच्छे जवाब दिए। इस सवाल का सही जवाब है सी 5। और वो 5 चीज़ें ये हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। और सबसे पहले जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया उनका नाम है मोहम्मद रेहान। तो रेहान भाई बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कमेंट करने के लिए। सितारे कहाँ पर हैं? और आपके ऑप्शन है ए ज़मीन के ऊपर, बी आसमान से नीचे, सी आसमान के ऊपर, डी ज़मीन और आसमान के बीच। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है डी, जमीन और आसमान के बीच। सितारे किस चीज पर रुके हुए हैं? और आपके ऑप्शन है ए जमीन पर, बी आसमान पर, सी जंजीर में, डी धागे में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है सी जंजीर में। सितारे जमीन और आसमान के बीच में नूरानी जंजीरों में लटकी हुई कंदीलियों के अंदर हैं और ये जंजीरें फरिश्तों के हाथ में हैं। चांद में रोशनी कहाँ से पैदा होती है? और आपके ऑप्शन है ए आग से, बी सूरज से, सी नूर से, डी उसकी अपनी रोशनी है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है बी सूरज से। चांद की रोशनी बिज़ात नहीं है बल्कि चांद की रोशनी सूरज की रोशनी से फायदा हासिल करके पैदा होती है। चांद का मुंह किधर है? और आपके ऑप्शन है ए आसमान की तरफ, बी जमीन की तरफ, सी दोनों की तरफ, डी पता नहीं। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है ए आसमान की तरफ। चांद और सूरज का रुख आसमान की तरफ है और पीठ जमीन की तरफ है। इस्लाम के मुताबिक चांद जमीन से कितनी दूरी पर है? और आपके ऑप्शन है ए 1,00,000 मील दूर, बी 2,00,000 मील दूर, सी 3,00,000 मील दूर, डी 4,00,000 मील दूर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है बी 2,00,000 मील दूर। चांद और जमीन की दूरी 2,00,000 मील से भी ज्यादा है। रोजे में थूक इकट्ठा करके निगलना कैसा है? और आपके ऑप्शन है ए रोजा टूट जाएगा, बी हराम है, सी मकरूह है, डी सवाब है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है सी मकरूह है। मुंह में थूक इकट्ठा करके निकल जाना बगैर रोजे के भी अच्छा नहीं है और रोजे में ऐसा करना मकरूह है। अब सवाल आ गया आप लोगों के कमेंट करने का, तैयार हो जाइए। मुझे आप तमाम लोगों से इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। ज़कात देना कैसा है? और आपके ऑप्शन है ए फर्ज, बी सुन्नत, सी नफिल, डी पता नहीं। जो इंसान भी इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा तो इंशाल्लाह तबारक वताला उनका नाम अगले एपिसोड यानी कल शाम 7:30 पर ले लिया जाएगा।
आप लोग रोजाना शाम में 7:30 पर हमारे चैनल पर आ जाया करें। इस वक्त में हमारे चैनल पर एक लाइव एपिसोड रिलीज होता है, तो इंशाल्लाह तबारक व ताला कल 7:30 मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा, जरूर आना लाइव एपिसोड में। अगर आप लोग बाकी के एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमने आप लोगों की स्क्रीन पर पूरी प्ले लिस्ट लगा दी है, आप लोग इसे दी गई प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए और बाकी के एपिसोड देख कर अपने इल्म में इजाफा कीजिए। और ऊपर जो चिरागे गौसिया वाला वीडियो आ रहा है, ये वीडियो बहुत पावरफुल है, आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें और इस सेट को आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाल्लाह तबारक वताला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।